जय बोलो देवादिदेव एकाधाराठ श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति ने रात के अंतिम प्रहर में एक सपना देखा। सपने में उसे परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा ने उससे कहा, यहाँ क्या पड़ा है, उठ, पूरब दिशा की ओर बढ़। 3 मील आगे जाने पर नदी के किनारे एक संत की कुटिया है। वहाँ संत विराजमान है, तो उनके पास जा और बेश कीमती पारस मनी प्राप्त कर ले। सपना देखते ही उसकी नींद खुल गई, फूला न समाया। एक तो परमात्मा के दर्शन का सौभाग और जन्म जन्म के दारिद्र के विनाश का सुअवसर। वो मुंह अंधेरे ही चल पड़ा। 3 मील चलने पर दूर से ही उसे संत की कुटिया दिखाई पड़ी। संत के चरणों में जाकर उसने अपना प्रणिपात किया। अपना परिचय देते हुए उसने अपने आने के कारण को बताया। संत उसका निवेदन सुनकर मुस्कुरा उठे और उससे कहे कि पारसमणि तुझे चाहिए? पारसमणि तो मेरे पास है, तू चाहे तो ले सकता है, पर वो यहाँ नहीं है। यहाँ से आगे आधा मील दूर पर वो जो बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे पड़ा है, तुम जाओ और उसे ले लो। वो बिना कुछ सोचे सीधे बरगद के पेड़ की ओर चला। दूर से ही उसे चमकती हुई वह पारस मनी दिखाई पड़ी। उमंगों से भरकर उसने उसे उठाया कि तभी उसके मन में एक नया विचार कौंधा कि निश्चित ये संत असाधारण है। इसके पास पारस मणि से भी मूल्यवान कोई मणि है, तभी तो पारस मणि को खुले आसमान के नीचे रख छोड़ा है। जब मुझे लेना ही है तो ये पारस मणि क्यों लूं? वह क्यों न लूं जो इससे भी मूल्यवान है? इस विचार के आते ही वह मणि उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिर गई और वह खाली हाथ संत चरणों में आकर उपस्थित हो गया। संत चरणों में आकर उपस्थित हो गया। जैसे वो उपस्थित हुआ, वो संत ने मुस्कुरा कर पूछा, मिल गई तुझे पारस मणि? बोले, गुरुदेव मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुलेआम रखते हो, मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप छिपा के रखते हो। मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुलेआम रखते हो, मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप छिपा कर रखते हो। संत ने कहा, वत्स, यदि वो मणि तुझे चाहिए तो बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं। वो मणि बाहर नहीं, भीतर है, तेरे अंदर है, सबके अंदर है। तू अंदर झांक, उस अमूल्य पारस मणि से भी मूल्यवान पारस मणि को तू प्राप्त कर लेगा। बाहर की जितनी भी मणियां हैं उनका मूल्य है, लेकिन भीतर का जो तत्व है वो अमूल्य है। हम सबके जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सबका मूल्यांकन करते हैं पर खुद का कभी मूल्य नहीं समझ पाते। संत कहते हैं, मूल्य समझो अमूल्य का। हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है उनका कुछ न कुछ मूल्य होगा।
किसी का अल्प मूल्य, किसी का अधिक मूल्य, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो मूल्यहीन भी होगी, मुफ्त में मिल जाने वाली चीजें, जिनका कोई मूल्य नहीं है, मूल्यहीन है, वो कोई अधिक मूल्यवान है, कोई अल्प मूल्यवान है, उन सब का मूल्य है, लेकिन तुम्हारा जीवन का जो मूल तत्व है वो अमूल्य है। मूल्यहीन और अमूल्य में मौलिक अंतर है। जिसकी कोई कीमत नहीं वो मूल्यहीन है, और जिसे कीमत चुकाकर हासिल न किया जा सके वो अमूल्य है। चार स्थितियां हैं, मूल्यहीन, अल्प मूल्य, अधिक मूल्य और अमूल्य। थोड़ा देखो, मेरे जीवन का बहु भाग बीत गया, हमारा ज्यादातर समय और शक्ति किसमें बीता? मूल्यवान में, अधिक मूल्यवान में, अमूल्य के लिए, या मूल्यहीन के लिए? किसके लिए बोलो, किसके लिए? बोलचाल की भाषा में बोलूं तो फिजूल के लिए। किसके लिए? फिजूल के लिए। फालतू की बातें और फालतू का काम करते करते मनुष्य ने अपने जीवन को तमाम किया है। अंतर मन में झांक कर देखिए, अपना विश्लेषण कीजिए कि मेरे जीवन का कितना बड़ा भाग बिना मतलब के कार्यों में बीत रहा है, है? बोलो। आजकल तो सब निठल्ले हो रहे हैं। जो आप लोग दिन भर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, दिन भर कहना ठीक नहीं, अब तो रात भर की बात करो, दिन तो सोने में बीतता है, तो ये रात दिन जिसके पीछे लगे हो उसका कोई मूल्य है क्या? उसका कोई अर्थ है? अर्थ है या व्यर्थ है बताओ? हाँ, और कसम खाए बैठे हैं कि हम व्यर्थ में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। क्या कर रहे हैं? अपने इस दुर्लभ जीवन को समझिए और उसे सही दिशा देने का प्रयत्न कीजिए। जिन बातों का कोई औचित्य नहीं, अर्थ नहीं, उन्हें मूल्यहीन समझिए और मूल्यहीन बातों से अपने आप को दूर कीजिए। दुनिया में जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, चाहे लोक अथवा लोकोत्तर क्षेत्र में, वे ही आगे बढ़ पाए जिन्होंने केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखा है। आप बोलो, प्रयोजन से प्रयोजन रखते हो या प्रयोजनहीन बातों में ही उलझे रहते हो? हाँ, मत कहो तो बिठा ले काय को, कहां जा रहे हैं हम? एक लक्ष्य बनाइए आज से कि मैं मूल्यहीन में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि जो मनुष्य मूल्यहीन बातों और कार्यों में अपना समय बिताता है उसका कोई मूल्य भी नहीं बचता। कई लोग बोलते हैं हमको कोई वैल्यू नहीं देते, हमारी कोई वैल्यू नहीं समझते, बोलते हैं ना आप लोग, हाँ, और दूसरे शब्दों क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं आप लोग, है ना? हमें वैल्यू नहीं देते, वैल्यू नहीं समझते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अरे भैया, वैल्यू तुम्हें मिलेगी तब जब तुमने वैल्यू को आत्मसात किया हो, तब मूल्य वो ही पाते हैं जो अपने जीवन मूल्यों को
जीवन में प्रतिष्ठा देते हैं। तुमने जीवन मूल्यों को ही अपने जीवन में आधार नहीं दिया तो तुम्हारे जीवन को मूल्य मिलेगा कैसे? तुमने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दिया तो क्या मिलेगा? देखो, मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मिट्टी को अगर घड़े का आकार दे दिया जाए तो वो मूल्य पा जाता है। मिट्टी व्यर्थ हो जाती है, लेकिन घड़ा अपना अर्थ प्रकट करता है, और गर्मी में तो घड़े की और अधिक उपयोगिता है। तुम्हें तय करना है मिट्टी की तरह अपने जीवन को व्यर्थ बनाना है या मंगल कलश का रूप धरकर सार्थक बनाना है। मिट्टी से मंगल कलश की यात्रा अगर करनी है तो अपनी दिशा बदलनी होगी। और पहला सूत्र, मूल्यहीन काम मूल्यहीन बातों से अपने आप को दूर रखना है। मैं बच्चों से लेकर बड़े तक सबकी बातें कर रहा हूं। फिजूल की बातों में अपना जी उलझाना कतई समझदारी नहीं है। आप देखिए, मूल्यहीन बातें, मूल्यहीन काम, मूल्यहीन विचार और मूल्यहीन खर्च आप दिन भर में कितना करते हैं? आपकी ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं, चलता रहता है। बिना काम की बातें, निस्सार बातें चलती है, उसका कोई मूल्य है? लेकिन उसमें जो आप समय खर्च करते हो उसका कभी मूल्यांकन किया? खोया हुआ समय लाखों चुका करके भी नहीं लौटाया जा सकता। पर आप बातों में मशगूल होते हैं और लग गए सो लग गए। क्या मतलब है? मूल्यहीन काम, ऐसी एक्टिविटी जिनका कोई अर्थ नहीं, निज पर के हित में जो सहाय नहीं है, वो सब मूल्यहीन है। उन कामों से अपने आप को बचाइए। आजकल लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। हाँ, है ना बिजी, लेकिन कैसे बिजी हैं? रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं है ना। विदाउट वर्क बिजी है। क्यों? बिना मतलब के कामों में ज्यादा उलझे हो। मूल्यहीन काम है। विचार, दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं ना, काम के विचार कम फिजूल के विचार ज्यादा आते हैं। कहते हैं एक मनुष्य के दिमाग में 24 घंटे में औसतन 60,000 विचार आते हैं। कितने? हाँ, उसमें काम के कितने होते हैं? महाराज, काम के तो कोई कोई होते, बिना काम के विचार आते रहते हैं। और कई कई बार तो ऐसे ऐसे विचार आप लोग उत्पन्न कर लेते हैं जो पूरे जीवन को बेकार बना देता है, है ना? एक आदमी था, उसका नाम था चंपालाल पटेल। वो रोज अपने घर के ओटे पे बैठ के दतौन किया करता था, और जिस समय वो दतौन करता था उसी समय एक सांड आता था। उस सांड की सींग ऐसी थी, आर्च बनी हुई, सांड की सींग आर्च के शेप में थी। एक दिन उसके मन में विचार आया, इस सांड की सींग में मैं अपनी गर्दन घुसाऊंगा तो घुसेगी कि नहीं? सांड के सींग में मैं अपनी गर्दन घुसाऊंगा तो घुस पाएगी कि नहीं? अब दिमाग में विचार आ गया, दतौन चल रहा है, सांड खड़ा है, इसकी सींग में गर्दन घुसाऊं, घुसेगी कि नहीं, घुसेगी कि नहीं, घुसेगी कि नहीं? रोज का एक क्रम हुआ, दतौन करना, सांड का आना, दिमाग में यही बात, इसमें सींग में गर्दन घुसाऊं तो घुसेगी कि नहीं, घुसेगी कि नहीं, घुसेगी कि नहीं? एक दिन उसने सोचा हद हो गई, प्रैक्टिकल करके क्यों ना देख लिया जाए। और फिर क्या हुआ, उसने सांड के सींग में अपनी गर्दन घुसाई, फिर आप समझ सकते क्या हो गया, उसकी हड्डी पसली सब चूर हो गई, है ना? हंसी आ रही है आपको उसके ऊपर, पर आप खुद के अंदर उतर के देखो, दिन भर में न जाने कितनी बार आप सांड के सींग में अपनी गर्दन फंसाते हो, फंसाते हो कि नहीं? बोलो, सोचा ही नहीं है। सोचने की फुर्सत मिले तब तो सोचोगे,
दिन भर में कहीं ना कहीं से सांड के सींग में आप अपनी गर्दन घुसाते हो, परिणाम हालत खस्ता, बिना मतलब के कामों से, बिना मतलब की बातों से, बिना मतलब के विचारों से और बिना मतलब के खर्चों से बचिए, क्योंकि ये आपके जीवन को मूल्यहीन बना देगा, उसे मूल्यहीन बनाएगा जो अमूल्य है। जीवन को ऊंचा उठाइए। तो पहली बात, मूल्यहीनता से बचिए, मूल्यों को आत्मसात कीजिए। अब है अल्प मूल्य और अधिक मूल्य। आपके घरों में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें मूल्यहीन होती हो तो ऐसी पड़ी रहती, जिनका अल्प मूल्य होता है थोड़ा बहुत संभाल के रखते हो। अपने घर में आप झाड़ू बुहारी भी रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ? और आप अपने घर में जेवरात भी रखते हो? झाड़ू बुहारी कहाँ रखते हो? हाँ, दरवाजे की ओट में, है ना? और ज्वेलरी सेफ में, तिजोरी में, ठीक है? क्यों ये अंतर क्यों? चीज़ तो दोनों आपकी घर की है। कभी बुहारी को आप तिजोरी में नहीं रखते और तिजोरी में रखी ज्वेलरी को आप दरवाजे की ओट में नहीं रखते, बुहारी की जगह नहीं रखते, क्यों? केवल इसलिए कि जो चीज़ें अल्पमूल्यवान हैं वो सुलभ है और जो अधिक मूल्यवानी है वाली है वो दुर्लभ है। तो जिसका जितना अधिक मूल्य दिखता है हम उसके प्रति उतना अधिक केयरफुल हो जाते हैं, होते हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, मूल्यहीन बातों पर तो ध्यान ही मत दीजिए, अल्प मूल्य वाली चीज़ों का उपयोग कीजिए लेकिन उलझिए मत। चीज़ें चाहिए बहुत सारी चीज़ें, रोज़मर्रा के जीवन में जो गोरख धंधा आप लोग करते हैं वो आपके जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक और अपेक्षित है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से बात करें तो वह जीवन निर्वाह का साधन है, जिसे परमार्थ की दृष्टि से अल्प मूल्य वाला कहा जा सकता है। यत किंचित उपयोग कीजिए और भूल जाइए, लेकिन अधिक मूल्य की चीज़ें जो आप जिन्हें आप बेशकीमती मानते हो, अपने घरों में जैसे संभाल कर रखते हो, तो वो है आपका गुण वैभव जो अधिक मूल्यवान है, उसे पूरी ताकत से बचाने की कोशिश कीजिए। धन वैभव परमार्थ की दृष्टि से अल्प मूल्य वाला है और गुण वैभव अधिक मूल्य वाला है, इसलिए धन वैभव पर फोकस करने की जगह गुण वैभव पर ध्यान दीजिए, जीवन का अपने आप उत्कर्ष हो जाएगा। विचार करने की बात केवल इतनी सी है कि हम किस पर ध्यान दे रहे हैं। धन वैभव के लिए 24 घंटा है, गुण वैभव के लिए एक पल भी नहीं। मेरे जीवन के गुण संरक्षित हों, संवर्धित हों, मैं अपने गुणों को पुष्ट कर सकूं, ये मेरे काम में आने वाला है, इसे मुझे आगे बढ़ाना है, ये लक्ष्य अपने जीवन का होना चाहिए। और ये सब तब होगा जब आप अपने जीवन को अमूल्य समझोगे। मेरा यह जीवन दुर्लभ है, सारे जीवन की कमाई एक तरफ और जीवन की एक सांस एक तरफ, बोलो कौन भारी पड़ेगा? कोई मरता हो वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दे तो क्या उसे बचाया जा सकता है? हाँ, नहीं, क्या हो गया? वो अमूल्य है,
उस अमूल्य जीवन को पाकर के मैं कुछ ऐसा अर्जित करूं कि मेरा ई भाव भी सुधरे और भावी भाव भी सुधरे, संसार के आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सके। कहते सिकंदर ने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने का श्रेय प्राप्त किया। जब विश्व विजय अभियान के क्रम में वो वापस यूनान की ओर लौट रहा था, उसकी तबीयत एकदम से गंभीर हो गई। जब उसकी हालत गंभीर हुई तो उसने अपने परिचारकों से कहा, मेरी एक दिली तमन्ना है कि किसी तरह मेरी माँ तक मुझे पहुँचा दो। मैं अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। परिचारकों ने कहा, सम्राट आपके शरीर की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि आपकी माँ तक आपको पहुँचा पाना संभव नहीं। तो उसने कहा, मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी क्यों न दे दो तो भी आपके माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ले सकते। आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी आप क्यों न दे दो तो भी आपकी माँ के यहाँ आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ले सकते। तब सिकंदर के मुख से निकला, धिक्कार है उस सत्ता और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस सत्ता और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। आज उसे दांव पर लगाने के बाद वह मुझे दो पल के लिए नहीं बचा पा रही है। काश मैं इसे पहले जान पाता, अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिगबड़ती है। बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। तो अब मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई डर नहीं, मैं मरूंगा और मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरा जनाजा उतारोगे, बस तुम सबसे मेरा एक ही कहना है, मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, अरे महाराज जनाजा से हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा, हाँ सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके सारे कायदे का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। बंधुओं, अमूल्य का मूल्य समझो, अपने आत्म तत्व को पहचानो। अभी जिन जिन चीजों को तुम मूल्य दे रहे हो, सच्चे अर्थों में देखा जाए वो तो भाव भाव में सुलभ है। ये जीवन बार बार सुलभ नहीं है, इस दुर्लभ जीवन को संभालिए संवारिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का सत प्रयत्न कीजिए, जिससे हमारा जीवन सफल होगा सार्थक होगा। यही सम्यक दर्शन है। आत्म तत्व के बोध के बिना जीवन का कल्याण असंभव है, और जिसे आत्म बोध हो जाता है बाकी बातें सब उसके लिए मूल्यहीन हो जाती है। हमने अभी तक औरों को मूल्य दिया, औरों को महत्व दिया, पर जो अपना था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
आज से हम ऐसा लक्ष्य बनाएं जिससे अपने जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित की जा सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।